हो जाए। फिर उसके बाद में रात बाकी है, बात बाकी है। हेलो 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 बढ़ाओ एक गीत कम हो जाता है भैया। वापसी कम है, वापसी कम है। कितना बढ़िया बोल रहा था भैया। हेलो बहुत बढ़िया साउंड है, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत बढ़िया लाजवाब साउंड। हेलो हेलो बेहतरीन। एक गीत आप लोगों ने खूब सुन रखा है, कौन सा, जिसमें फिर वालों ने कहा क्या, जा रे जा ओ हर जाई। क्या बात क्या बात, बहुत अच्छी बात है। आप आए बाहर आई श्री श्री राम जी, बहुत जय हो जय हो जय हो। सवाल आया आदरणीय क्रांति जी की तरफ से, हाँ, कि माता पार्वती ने भगवान शंकर का श्रृंगार किया, हाँ, जवाब में स्वयं भगवान शंकर ने वर्णमाला से अपना श्रृंगार किया। हाँ, सर से बोझ उतारिए। लेकिन आदरणीय क्रांति जी एक श्रृंगार अब दादा की तरफ से भी देखिए। ये क्या बात, सीट बेल्ट लगा लें। देखिए आप लोगों ने वैसे तो भगवान भोलेनाथ के तमाम रूप देखे हैं जी, हरियर अवतार देखा, कृष्ण और शिव का भी अवतार देखा, लेकिन एक अवतार अर्धनारेश्वर का भी आप लोगों ने देखा है, जिसमें आधे में नर हैं भोलेनाथ हैं और आधे में माता पार्वती हैं। अब वो कैसे हैं, गीत की केवल शब्दावली देखिएगा। मुझे मैं दावा तो नहीं कर सकता, लेकिन विश्वास करता हूं गीत अच्छा लगना चाहिए। सुनिए, अगर आप लोगों ने भगवान अर्धनारेश्वर का रूप देखा कहीं चित्रों में, तो आप लोगों ने देखा होगा कि आधे स्थिर गंगा माई, पासे में हूं गंगा मैया का जिक्र ना आवे। और क्या, तो ये संभव कहां है। आधे सिर गंगा माई, आधी आधी छवि
न्यारी, आधे बालों में गजरा आधे सिर जटाएं भारी। समझिए, आधे सिर गंगा माई, आधी आधी छवि न्यारी, आधे बालों में गजरा आधे सिर जटाएं भारी, और आधे मुख बिंदिया दमके, आधे मुख बिंदिया दमके, और आधे मुख चंदा चमके, भोले भंडारी आधे नर आधे नारी। क्या बात है, क्या बात है। जय हो भैया, जय हो, आपकी जय हो। वाह, क्या बात है, क्या बात है। राजा भैया हमारे आ गए। बिल्कुल राजा हैं आप, और वाकई में राजा हैं आप जी। आधे सिर गंगा माई, आधे सिर गंगा माई, आधी आधी छवि न्यारी, आधे बालों में गजरा आधे सिर जटाएं भारी, और आधे मुख बिंदिया दमके, आधे मुख चंदा चमके, भोले भंडारी आधे नर आधे नारी। स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है आपका। पहली पंक्ति देखे आप। अरे आधा वर्ण सिंदूरी पीला, देखे आप। अरे आधा वर्ण सिंदूरी पीला, आधा वर्ण है नीला दिखे, दो रंग आधा आधा। लेकिन पैसा बाद में देंगे। हाँ, ये बैंक भागने वाले नहीं बेटे। एक और देखिए आप। अरे आधे अंग सुनहरी सारी, और बाबा के दर्शन कर रहे हैं। अरे आधे अंग सुनहरी सारी, आधे नेत्री पुरारी मृग, छाला लते के हुए और आधे अंग कसी है अंगिया। क्या बात। अरे आधे अंग कसी है, आधे अंग कसी है अंगिया, आधे पी कर भंगिया नाग, काला लपेटे हुए। मैया का है, उसमें एक हाथ में मैया फूल दी है, आधे कर में है फूल, और तो उधर आधे कर में त्रिशूल, आधे कर में है फूल, आधे कर में त्रिशूल,
बात है गुरु। आधे बोले हैं तो आधे चित वाह ये धन्यवाद। अरे आधे अंग सुगंध समाए आधे भस्म रमाए आधे भोले तो आधे चित चोर हैं और आधे अंग में छाई लालिमा आधे अंग में छाई लालिमा और आधे में कालिमा आधे अरे कोमल तो आधे कठोर हैं। आधे बालों में गजरा आधे सिर चटाएं आधे मुख बिंदिया चमके आधे मुख चंदा चमके भोले भंडारी आधे नर आधे नारी आधे गजरा आधे सिर चटाएं भारी और आधे मुख बिंदिया चमके आधे मुख चंदा चमके बोले भंडारी आधे नर आधे नारी आधे
दिक्कत है? शर्मा की कहाँ दिक्कत होगी, वो तो बैठे। और का मेरा लेखक खुद परेशान है बेटे। लेकिन ठीक है, प्रयास करेंगे भैया की बातों पर खरे उतर पाए। चंद्रिका बेचारा परेशान। बहुत बढ़िया चरण दादा के माध्यम से सुना है आप लोगों ने। ये बात बेटा अभी पी लो। चंद्रिका कल जल्दी जाना है, घर का सामान खरीद। अच्छा अच्छा ठीक। तो बढ़िया जवाब सुना है आप लोगों ने, बढ़िया सवाल सुना है। जवाब के लिए क्या कहूँ, जितना कलाकार से बन सकता है मंच पर उतना प्रयास करता है, और दादा ने भी बढ़िया प्रयास किया है। दादा करे क्रांतिमाला, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, कई कार्यक्रम मैंने रद्द किए हैं, और तुमने पहला गाना ही इतना टेढ़ा लगा दिया दादा। अच्छा, हमने जो गाना लगाया वो टेढ़ा है, जो आपने लगाया वो कितना सीधा गाना लगाया। हाँ, वो बिल्कुल जलेबी की तरह सीधा है। आप भी तो कहीं से कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। हमको तो नहीं लग रहा कहीं से दादा क्या बात है, बीमार हैं या बूढ़े हैं। नहीं, हम बीमार होने नहीं देंगे, मेरा कानपुर है। गाना इतना टेढ़ा आपने लगा दिया, चलिए आइए प्रयास करते हैं। ये बात क्योंकि कहते हैं जो बीत गए वो जमाने नहीं आते, जो बीत गए वो जमाने नहीं आते, आते हैं नए लोग पुराने नहीं आते। और लकड़ी के मकानों में चरागों को मत रखिए, लकड़ी के मकानों में चरागों को मत रखिए, क्योंकि अब आग पड़ोसी भी बुझाने नहीं आते। धन्यवाद। चलिए, दादा का बहुत बढ़िया गीत आया है, प्रयास कर रही हूँ। गीत कह रहा है क्या के जा रे जाओ हर जाई, चतुर हैं भैया, थोड़ी चाटी बढ़ा दो हल्की। कितने चतुर हैं दादा, वापसी कम आ रही मंच में। गाना अपना आधा आधा गा रहे हैं और बताए दे रहे हैं कि ऐसे तो हरिहर अवतार भी आपको मिलेगा। अच्छा, जब आप शंकर पार्वती के लिए गा रहे हैं तो हरिहर का है याद आ रहे हैं आपको। इतने बड़े बड़े कलाकार इतने छोटे काम करने लगे हैं तो आश्चर्य होता है। रास्ता बंद कर रहे हैं बेटे, आप हमारा रास्ता काट रहे हैं।
जवाब ना निकाल पाए क्रांति माला। चलिए हरिहर को नहीं लेंगे ना? फिर आपने राधा कृष्ण का भी नाम ले लिया, वो भी आधे आधे में है, अब जवाब कहाँ से लाया जाए? और क्या, हम हाईवे से निकलते हैं। सिटी सिटी जवाब मैं जहाँ से दे रही हूँ दादा, क्योंकि इसका जवाब हरिहर से या राधा कृष्ण से नहीं बन रहा, ये क्योंकि आधा आधा लाने के चक्कर में जो जवाब होना चाहिए वो बिगड़ जाएगा। भगवान भोलेनाथ भी ना छूटे, उनके काम भी ना छूटे और उनकी लीला भी ना छूटे, तो मैं केवल आधा आधा लाने के चक्कर में नहीं, मेरे जवाब में सब पूरा पूरा मिलेगा आपको। लेकिन मिलेगा क्या? क्या एक लीला और भगवान भोलेनाथ ने की। एक बार माँ भवानी तैयार होकर श्रृंगार करके जाने लगी तो भोलेनाथ ने कहा, देवी कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो? देवी ने कहा, जहाँ मैं जा रही हूँ वहाँ आपका कोई काम नहीं। भोलेनाथ ने कहा, कुछ भी हो जाए हम तो आज जाके ही मानेंगे। माता ने कहा, देखो भोलेनाथ, आपको ऐसे नहीं ले जा सकते, क्योंकि जहाँ मैं जा रही हूँ वहाँ केवल नारियां ही नारियां हैं, वहाँ पुरुषों का मर्दों का कोई काम नहीं। भोलेनाथ ने कहा, अगर ऐसी बात है तो जो तुम चाह रही हो मैं करूंगा। शाबाश। मैया ने कहा, भोलेनाथ आपको अगर चलना है तो आपको नर से नारी बनना पड़ेगा। बस भोलेनाथ ने सुना, भोलेनाथ ने कहा, ठीक है अगर तुम्हारी यही इच्छा है। तो शिव ने गंगा है उतारी, दादा ये मत कहिएगा मेरे गाने में सब आधा 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 लगा है, क्योंकि आपने सब टोक दिया है, इसलिए मुझे जवाब यहाँ से लेना पड़ रहा है। भोलेनाथ ने माता की बात सुनी, तो शिव ने गंगा है उतारी, भस्मीना तन पे धारी, मुंडों की माला धन के, मुंडों की माला धर के पहनी चमकीली साड़ी। क्या बात है बेटे, क्या बात है। बस जवाब सुनिएगा, यह है जवाब। और मैं जनता से भी निवेदन कर रही हूँ, देखिए 5 मिनट में जवाब लिखना पड़ता है, जितना बन जाए स्वीकार करिएगा। शिव ने गंगा है उतारी, भस्मीना तन पे धारी, मुंडों की माला हटा के पहनी चमकीली साड़ी, नथुनी चूड़ी और पिछिया, नथुनी चूड़ी और पिछिया, पैरों में पहन पायलिया, चूनर को ओढ़ के शिव बन गए नर से नार। भोले रे धन्यवाद है आपकी तालियों के लिए। सीटी देखिए, हेलो अचानक से होने लगती, नथुनी चूड़ी और बिंदिया, नथुनी चूड़ी और बिंदिया, पैरों में पहने पिछिया, चूनर को ओढ़ के शिव बन गए नर से नारी। तो शिव ने गंगा है कैसे? सांप और बिच्छू को हर...
बनाकर चंद्रमा को छुपाकर डमरू को हटाकर नारी जैसा श्रृंगार बनाकर और जब नर से नारी बनकर भैया हमारे कैलाश सिंह जी आपने 50 मुद्राएं बुआ भैया के लिए भेज की हैं ढोलक पर, बहुत बहुत धन्यवाद है। और जब इस रूप में भगवान कन्हैया पहुंच गए तो मुझे थोड़े में यानी गागर में सागर भरना है, तो मैं अपनी बात को देखिए पूरा कहां से कर रही हूं। शाबाश। देखिए वहां होता क्या है, अजब सा नृत्य दिखाए कोई समझ न पाए, हो नाचते देखे इनको मदन मुरारी, तो शिव ने गंगा है उतारी भस्मी नातन पे धारी, मुंडों की माला धर के पहनी चमकीली साड़ी, नथनी चूड़ी और बिंदिया पैरों में पहने पिछिया, चूनर को ओढ़ के शिव बन गए नर से दादा। अंतिम बात सुनिएगा, हालांकि जवाब की जगह आपने सब काटी है, फिर भी मुझे किस्सा पूरा करना है। कैसे? आपके गाने में तो केवल आधा 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 है, बस आधा ये कर लिया आधा वो कर लिया, सवाल कुल मिलाकर रूप रख दीजिए तो अपने आप पता चल जाता है। प्रिया चाची थोड़ा ध्यान दो भाई। लेकिन मेरे जवाब में वही भोलेनाथ जब नारी बनकर पहुंचे जहां महा रहस हो रहा है, रास लीला रचा रहे हैं कन्हैया, भगवान भोलेनाथ ने नारी का वेश बनाकर जब अंदर प्रवेश किया तो भगवान कन्हैया हंसने लगे। भगवान सोच रहे हैं कि देखो आज भगवान भगवान को धोखा देने आया है। अब चूंकि उनसे क्या छुप सकता है, सभा बैठे तो अजब ढंग से नाचे नारी समझे हैं गिरधारी, तो फिर भगवान कन्हैया सोच रहे हैं कि बाकी नारियां जो आई हैं ये बिना घूंघट के आई हैं, तो ये कैसी अलबेली नारी आ गई जो इतना सात हाथ का घूंघट करके आई है। यही है। भगवान कन्हैया हंसने लगे, हंसने लगे, लेकिन कुछ बोले नहीं, उन्होंने किया क्या के धीरे धीरे पास में आए मुखड़ा देख है पाए, तब है घूंघट पहुंचे और अचानक घूंघट उठाकर ऊपर कर दिया। जैसे ही घूंघट उठाया तो कन्हैया ने देखा कि गोपी की जगह गोपा निकल आया। बस कन्हैया सोच रहे वारे भोलेनाथ, वारे भोलेनाथ, केवल इस यहाँ अंदर आने के लिए ये सब आपको करना पड़ा। लेकिन वहाँ भोलेनाथ का एक नया नाम पड़ गया। क्या? अचंभा कैसा हुआ रूप देखा नया, तो गोपेश्वर कहलाए हैं शंभु त्रिपुरारी। भगवान भोलेनाथ का नाम गोपेश्वर पड़ गया, क्योंकि गोपिका का रूप बना कर आए इसलिए गोपेश्वर नाम पड़ गया उनका। गोपेश्वर है कहलाए हैं